रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिल्ली में चुनाव थे और चुनाव के परिणाम 11 तारीख को आएंगे, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही अलग अलग मीडिया चैनलों ने ये घोषणा कर दी, या कहा जाए तो एग्जिट पोल के हिसाब से बता दिया कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने वाले हैं, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। सभी दावे और सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी के फिर से असफल रहे और एक और राज्य जो वो चाह रहा था कि उसके हिस्से में आए, इसके लिए उसने सारी तैयारियां कर ली। यहाँ तक कि पहली बार एनडीए बन करके बिहार के कई दलों को शामिल किया, उसके बावजूद भी सारे के सारे कवायद फेल हो गए और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपनी सत्ता स्थापित करने के करीब पहुंच गई है। आपको बता दें कि केजरीवाल और खास करके जब प्रशांत किशोर की जोड़ी बनी तो ये जीत लगभग पक्की मानने लगे थे जितने भी राजनीति के जानकार हैं। इसके साथ ही विरोधियों के तरफ से कई ऐसी बातें हुई जिसने केजरीवाल को और मजबूत कर दिया। हालांकि आंकड़े जो सामने आ रहे हैं या जो रुझान बताए जा रहे हैं, जो एग्जिट पोल आया है उसके हिसाब से अपने ही रिकॉर्ड को बरकरार करने में इस बार असफल साबित हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल, पर उनकी सरकार नहीं बने ऐसी स्थिति किसी भी पोल में नहीं दिखाई गई है। आपको बता दें कि अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल निकाले हैं और एग्जिट पोल के सभी परिणाम, ऐसा कोई भी परिणाम नहीं है जिसने बीजेपी को बढ़त दिखाई हो। सीटों का हेर फेर कुछ 19-20 जरूर है, पर फैक्ट यही है कि कहीं ना कहीं 70 सीटों वाली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में सफल होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जनता ने जम करके वोट किया और आज वोटिंग के दिन सब कुछ सामान्य स्थिति रहते हुए जो बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए और दो दिन पहले से जो घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से फिर से दिल्ली के चुनाव में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, CAA, NRC, NPR, शाहीन बाग जैसे मुद्दे, हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे, नोट बांटने जैसे मुद्दे और हनुमान जी को छूने से उनको धोने की बात कहने वाले भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका एक और राज्य में लगने जा रहा है। हालांकि ये झटका नीतीश कुमार के लिए भी होगा, पर एक सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इस पूरे दिल्ली चुनाव के परिणाम में एक बात जो सामने खुल करके आ रही है वो ये है कि एक सीट RJD को मिलती नजर आ रही है। सभी एग्जिट पोल में संभावनाएं तो व्यक्त नहीं की जा रही है, पर कुछ ऐसे एग्जिट पोल हैं जिसमें एक सीट जो है वो बताया जा रहा है कि RJD अपने कब्जे में लेगी और एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है। हालांकि लड़ाई सीधी थी, ये शुरू से ही नजर आ रही थी कि कांग्रेस लड़ाई में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगी, पर फैसला अंतिम आते आते तक, हालांकि इस बीच में कई बार परिवर्तन हुए, हमने भी खबरों के माध्यम से भारत लाइव ने आपको दिखाया था कि केजरीवाल का जो ग्राफ था वो लगातार अप एंड डाउन हो रहा था, पर अंतिम क्षणों में पिछले 3 दिनों में चुनाव प्रचार समाप्त होने के और वोटिंग के 5-4 दिन पहले जिस तरह से केजरीवाल ने अपने आप को संयमित किया और भारतीय जनता पार्टी को ये जब लगने लगा, उसके सूत्र बताने लगे, इंटरनल सोर्सेस से पता चलने लगा कि उसकी सरकार नहीं बन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे ऑफेंसिव हो गई और केजरीवाल को टारगेट करने लगी और टारगेट करने में सारी मर्यादाएं तक ध्वस्त होती नजर आई और ये कहीं ना कहीं फायदा कर गया अरविंद केजरीवाल को। जो एग्जिट पोल आए हैं उसके अनुसार IPSOS के अनुसार 44 सीटें आम आदमी पार्टी को और 26 सीटें सीधे सीधे बीजेपी को मिल रही है। इसमें कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, न अन्य कोई दल नजर आ रहा है। इन 26 सीटों में कहीं चर्चा JDU की या LJP की नहीं है, यानी कि ये लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देख रहा है IPSOS। वहीं अगर बात करें सर्वे एजेंसी नेता की तो उसने
53 से 57 सीटें दी हैं आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को उनके अनुसार अर्थात कि नेता के सर्वे में 11 से 17 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं 2 सीटें कांग्रेस प्लस को मिल रही है। कांग्रेस प्लस में का मतलब होता है कि कांग्रेस और आरजेडी। आपको बता दें कि एक और एजेंसी शिसेरो ने 44 और 26 का आंकड़ा दिया है, इसने भी साफ तौर पर दिखाया है कि ये लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, और इस आंकड़े में भी बीजेपी के प्लस बीजेपी के साथ कहीं भी जेडीयू एलजेपी नज़र नहीं आ रही है। वहीं जन की बात करें तो उनके तरफ से 48 से 61 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं आम आदमी पार्टी को, और 9 से 21 सीट तक बीजेपी को दिया जा रहा है। यहाँ भी मुकाबला कांग्रेस के लिए फिसड्डी ही साबित हुआ है, और ये लड़ाई फिर से एक बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ देख रही है जन की बात। वहीं पोल स्टार की बात करें तो पोल स्टार ने इस सर्वे में सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी को यानी कि 50 से 56 सीटें दी हैं, 10 से 14 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। अगर बात करें NBL की यानी कि आपके अपने चैनल की न्यूज़ भारत लाइव और न्यूज़ बिहार लाइव की, तो उसके अनुसार 48 से 50 सीटें आम आदमी पार्टी को आ रही हैं, 14 से 18 सीटें आप बीजेपी प्लस को आ रही हैं, और कांग्रेस प्लस को 2 से 4 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। इसमें से एक सीट जो है वो अगर देखा जाए तो नेता के सर्वे में, और एक और एजेंसी है जिसने इस सर्वे को किया है जिसने ये दिखाया कि कांग्रेस सीटें आ रही हैं, उसके साथ ही भारत लाइव ने भी 2 से 4 सीटें जो कांग्रेस प्लस के खाते में डाली है उसमें से एक सीट RJD को मिलती नज़र आ रही है। 11 तारीख को परिणाम आएंगे और परिणाम पूरी तरह से ये बता देंगे कि किसकी जीत हुई और किसने कितनी सीटें ली, पर इस सर्वे के अनुसार तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में परचम लहराने के लिए तैयार है, और मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल 5 सालों के लिए फिर से स्थापित होने की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। एग्जिट पोल लगभग अब तक रुझानों के हिसाब से सही साबित होते रहे हैं कमोबेश अगर देखा जाए तो, पर जब तक परिणाम नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी EVM से यानी कि वोटिंग का जो बक्सा है उससे जिन भी निकलते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, 11 तारीख को जब चुनाव पर की गिनती होगी, वोटों की गिनती शुरू होगी, तो फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे दिल्ली को लेकर के और बताएंगे कि रुझान क्या हैं और परिणाम क्या आते हैं, किसकी सरकार बन रही है और संभावनाएं क्या क्या हैं। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।